G4S सिक्योरिटी कंपनी भेज रहे हैं 50 लड़के को कहाँ, तो विदेश। ये बेंगलोर का है, क्योंकि बहुत सारे मेरे को कॉल आते हैं, कमेंट आते हैं, सर विदेश जो जाते हैं G4S सिक्योरिटी कैसे जाते हैं, किसको भेजते हैं और कितना सैलरी मिलता है, क्या मतलब प्रोसेस है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं इस पर फुल जानकारी लेकर के आया हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ, जो लड़के जो G4S सिक्योरिटी में प्रेजेंट में ड्यूटी कर रहे हैं ऑलरेडी इंडिया में, और लड़के 15,000, 18,000, 20,000, 25,000 ऐसे महीने के कमाते हैं इंडिया में हर महीने, और आपको और लड़के को रहता है चॉइस जो भाई मैं 40,000, 50,000 महीने का 60,000 कमाऊँ कहाँ पे, तो विदेश में, चाहे वो अमेरिका हो, दुबई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे किसी भी अदर कंट्री हो। तो यहाँ पे G4S सिक्योरिटी भेज रहा है फॉरनर कंट्री एज ए सिक्योरिटी गार्ड। तो किसको भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, ये तो बलर के जानते नहीं, लेकिन सीधा बोलते तो सर मैं 2 साल से कर रहा हूँ G4S, मुझे चाहिए विदेश में, क्योंकि वहाँ पे 50,000 महीने मिलेगा, 60,000 महीने मिलेगा, तो मेरे को जाना है। तो दोस्तों वहाँ पे जाने के लिए आपको जो है क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा अलग ही है, जो लड़के एक्सेप्ट कर अपना, जिसको विश्वास है जो भाई मैं G4S में करो, मेरे को G4S भेजेंगे, तो वो और वहाँ विदेश जाना अलग ही है कंडीशन। तो मैं कंडीशन बताऊँगा दोस्तों, जो लड़के आप G4S में कर रहे हैं या किसी भी सिक्योरिटी में कर रहे हैं, तो G4S तो वैसे वर्ल्ड का नंबर वन सिक्योरिटी है, और उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ही मायने रखता है, अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं तो। और आपको तो मान लो जो 50,000, 60,000 अगर महीने का मिलते हैं G4S अदर कंट्री में, फॉरेनर कंट्री में, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें कंडीशन है, आपको कैसे मिलेगा और किसको मिलेगा, ऐसे नहीं है भाई किसी को भी मिल जाएगा। आपको एज 21 से 35 के बीच होना चाहिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट। उसके बाद हाइट बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, आप सबको पता है, और हाइट 170 सेंटीमीटर प्लस हाइट चाहिए, ये इसको आप देख लोगे, जिसके हैं ये सब वही आप तैयार हो सकते हो कि आप सोच सकते हो, नहीं तो भाई मत ऐसे सोचो, कोई भी सब सोच लेते हैं मेरे को विदेश जाना है, इतना पैसे कमाना है, ये हो गया। क्वालिफिकेशन आप 12th पास है मिनिमम, और चाहे ग्रेजुएट है, लेकिन आपको इंग्लिश प्रॉपर ही आना चाहिए, आप सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड में बड़े बड़े एयरपोर्ट में, बड़े बड़े कंपनीज में आप ड्यूटी करेंगे, तो आपको क्या लगता है जो आपको ऐसे इंडिया से जाओगे हिंदी में और आपको वहाँ पे रख लेगा, नहीं रखेगा भाई। आपको इंडिया में ही 4 राउंड में इंटरव्यू होगा, वो भी इंग्लिश में, और 4 राउंड में इंटरव्यू होगा, तो हर तरह का कैटेगरी का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी इंग्लिश में। आपको अगर G4S में ड्यूटी कर रहे हैं और आप चाहते हैं जो मेरे को G4S भेजेगा, तो ये भाई बिल्कुल गलत है, आपको G4S नहीं भेजेंगे। हाँ, अगर आप सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी गार्ड में जाना चाहते हैं, तो आप G4S में 2-5 साल किए हैं तो अच्छी बात है, आप वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं अपने ऑफिस ब्रांच से इंडिया में, जहाँ पे भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, और वहाँ पे जो है फिर आप जो है वहाँ पे प्लानिंग कर सकते, जो कि आपका मेडिकल फिटनेस बिल्कुल गुड होना चाहिए, थोड़ा भी BP आगे ऊपर नीचे होगा तो नहीं आपको रखेगा, नहीं ले जाएगा। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट है तो भाई खर्चा इसमें कितना लगता है आपको जानने में, G4S ले जाएगा सिक्योरिटी, क्या मेरे को फ्री में ले जाएगा, भाई बिल्कुल फ्री में नहीं ले जाएगा। आपको मैं बताया था G4S अलग और आपका जाने का सपना अलग, बिल्कुल अलग अलग कंडीशन है। आपको आप चाहते G4S मेरे को ले जाए तो ऐसा नहीं है, कोई लड़के बोलते भाई मैं 5 साल से G4S में करूँ, बेंगलोर से 50 लड़के फॉरनर जा रहे हैं, 60,000 का महीने है, तो भाई 60,000 का महीने है तो आपको क्या लगता है वो उसको G4S भेजा, G4S में 5-5 साल, 4-4 साल किया है, चलो माना अच्छा है, 5 साल के आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया, आपको लाइसेंस मिल गया जो भाई मैं यहाँ पे इतना दिन से किया हूँ, और आपको ऑल इंडिया ऑल कंट्री में किसी भी कंट्री में आप जा करके जो है एज ए सिक्योरिटी गार्ड कर सके, जो अगर आपका इंग्लिश परफेक्ट है तो। बेंगलोर से लड़के अगर जा रहे हैं 50 लड़के, आपको क्या लगता है जो आप वो इसको इंग्लिश नहीं पता होएगा, कोई भी जा सकता है, नहीं, आपको मेडिकल फिटनेस, हाइट बता दिए, क्वालिफिकेशन बता दिए, सैलरी तो भाई 50-60,000 प्लस ही रहेगा, ये आप सबको पता ही है। आपको जो है उसमें आपको जो वीज़ा पासपोर्ट जो लगेंगे भाई, उसका आपका खुद का लगेगा, पासपोर्ट तो चलो आपको खुद लगेगा, ये आप सबको पता ही है। वीज़ा का रहा बात, तो आपको वीज़ा G4S नहीं देगा, लड़के बोलते हैं जो G4S मेरे को देगा वीज़ा, वो मेरे को ले जाएगा, अरे भाई ये इतना नहीं करता है G4S, जो आपको लेके चला जाएगा एज ए सिक्योरिटी गार्ड को। अगर आप में टैलेंट है, आपको इंग्लिश अच्छे खासे जानकारी है, तो आप कहीं पे भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में, हर एक राज्य के राजधानी में जाओ, वहाँ पता लगाओ कहाँ से विदेश भेजे जाते हैं लड़के, और एजेंट के द्वारा बात करो आप, और वहाँ पे आपको वीज़ा का 1-1.5 लाख रुपए तक आपको खर्चा लग सकता है, आप किसी भी ऐसी कंट्री में जाते हैं तो, और वो वीज़ा आपका खुद का रहेगा।
कंपनी अगर नॉर्मल अगर एजेंट भेजते हैं तो चलो किसी को दे देते हैं वीज़ा, और जिसके 1 लाख रुपया उससे ले भी लेता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो ये आपको 1 लाख से 1.5 लाख खर्चा होएगा और आपको जो है कंपनी G4F नहीं भेजता है भाई बाहर अदर कंट्री में। आप में अगर टैलेंट है तो आप खुद तलाश करो, रास्ता निकालो कैसे जाना है, किससे मिलना है, और आप जो आशा लगा रखे हो मेरे को G4S भेजेगा नहीं भेजेगा, क्योंकि मेरा स्पेशल कमेंट आ रखा है, कॉल भी आ रखा है भाई, बेंगलोर से 50 लड़का जा रहा है, मेरा भी जुगाड़ लग सकता है क्या, मैं भी जाऊंगा भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर वो लड़के अगर 5 साल G4S में किया एक्सपीरियंस है, हाँ थोड़ा बहुत रिफरेंस मिल सकता है आपको जो, हाँ अगर G4S में किया है तो G4S अदर कंट्री में आपको अगर किसी कंट्री में बुलाते हैं, डिमांड है 50 या 100 सिक्योरिटी गार्ड को, तो अगर कोई ब्रांच मैनेजर या कोई G4S का बड़े अधिकारी अगर आपको ऑफिसर भेजते हैं तो आपको वीज़ा खुद ही बनाना पड़ेगा भाई, अपना खुद का खर्चा लगेगा, आपको डिमांड करेगा जो मुझे 100 लड़के 50 लड़के, तो इसी तरह उसका बेंगलोर वाला सिस्टम है। आप ये मत सोचना जो वीज़ा पासपोर्ट टोटल खर्चा जो है G4S नहीं दिया है, इसके बारे में मैं बात कर रखा हूँ, किया हूँ इसके बारे में 2 दिन से ही पता लगा रहा था, तो नहीं मिलेगा आपको 60,000 सैलरी सही में रियलिटी है मिलेगा, पर आपको G4S नहीं भेजेगा, आपको खुद भाई जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यही स्पेशल मैसेज था, तो अगर आपको भी अगर जाना है तो आप देख लीजिए एज हाइट क्या मायने रखता है, उसके बाद क्वालिफिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, तो ये कंडीशन है आप उसे नहीं जा सकते हैं, जिसका भी सपना है भाई छोड़ दो, बाकी अगर एजेंट के द्वारा जाते हैं तो जाइए, आपको लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपना है दुनिया, अपना दुनिया देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यही था स्पेशल, विदेश कैसे जाएँ लड़के और जो है कैसे जाते हैं G4S के सिक्योरिटी गार्ड, कितना सैलरी होता है, तो यही स्पेशल मैसेज था। तो फिलहाल मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, बाकी जॉब चाहिए आपको ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में तो हमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर में कॉल कर सकते हैं और जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।